नाम आरुषि है, मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ और हीलिंग हॉस्पिटल में के बारे में हमें एडवर्टीजमेंट से पता चला था और हम लोग यहाँ मई में आए थे, तो हमारा कॉन्टैक्ट रमनदीप मैम से हुआ और हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही उनके साथ। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है और मेरे जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग एवरीथिंग वो बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल की। वेल नोन हॉस्पिटल से हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे थे तो मेरे को वो रिव्यूज़ बेसिकली उनके मतलब रिव्यूज़ उनके अच्छे थे, बट मेरे साथ उनकी डीलिंग इतनी कोऑपरेटिव नहीं रही, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना हॉस्पिटल चेंज करूँगी। तो सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास हीलिंग था जो कि बेस्ट निकला, दैट वॉज सेकेंड बट इट वॉज बेस्ट। स्टार्टिंग से लेकर उन्होंने मेरे बेसिकली जिस प्रॉब्लम से मैं अनसेटिस्फाइड नहीं थी बेसिकली जहाँ से, तो वो प्रॉब्लम्स को उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया। मेरे छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फ़ोन कॉल पे हमेशा अवेलेबल रहते थे उसके लिए, चाहे वो फीवर हो या कोल्ड हो कफ हो, तो वो अवेलेबल थे उस बेसिक चीज़ों के लिए भी अवेलेबल थे। स्कैन्स का भी वो बहुत अच्छे से डील करते थे और नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट्स होती थी उसके बारे में बहुत क्लैरिटी से बताते थे और रेगुलर अपॉइंटमेंट्स पे वो मेरे साथ डील करते थे। चलिए, वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन ही रहते थे हमारे लिए। हम वैसे जैसे हमने बताया कि पहले हम किसी बहुत रिनोन हॉस्पिटल में लोगों के रेफरेंसेस से गए थे, बट ये हमारी सेकेंड ऑप्शन और चॉइस इसीलिए बना क्योंकि वहाँ पर पहले सेटिस्फैक्शन फर्स्ट हमारी फर्स्ट जो वहाँ पर मीटिंग थी वहाँ पर नहीं आई, सेकेंड में भी नहीं आई और बस एक उधर लाउड नेम था, बट फिर हम यहाँ पर जब शिफ्ट हुए तो मैम के साथ बहुत अच्छी डीलिंग, वो बहुत इंस्पिरेशनल से थे, मतलब हमेशा स्माइलिंग फेस और उनसे हमें भी पॉजिटिव वाइब्स आती थी बहुत ज़्यादा। हमारे माइंड में भी यही था क्योंकि एक पुरानी वो चलती आ रही है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आउट ऑफ नथिंग वो सीधा तुम्हारा सी सेक्शन कर देंगे, ये प्रिसेप्शन बनी हुई है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। उन्होंने सुबह तक मतलब लास्ट मोमेंट तक यही ट्राई किया कि नॉर्मल डिलीवरी हो, एक्सरसाइजेस करवाई, मतलब इतना हम नहीं सोच रहे थे, मतलब ओटी रूम में भी उन्होंने प्रॉपर स्क्वैट्स वगैरह करवाए ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी ही हो। एट द एंड तो इट वाज नॉर्मल। तो कोई भी अगर अपना हॉस्पिटल ढूंढ रहे हो या फिर गायनी ढूंढ रहे हो तो रमनदीप मैम से ज़रूर मिलें, हीलिंग हॉस्पिटल में ज़रूर कॉन्टैक्ट करें एक बार।